माताओं को इंडिया नाम से नफरत है, चेले भारत माता की जय से चिढ़ जाते हैं तो तिरंगा यात्रा में जमकर उत्पात मचाते हैं। मुसलमानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, गुस्से में आ गए मुट्ठी भर मवाली, तिरंगा यात्रा रोककर लगाने लगे जय श्री राम के नारे। इस सड़क पर खुलेआम गुंडई की लगाई नुमाइश, घंटों तक करते रहे उत्पात, लंपटों के सामने खाकी भी जोड़ने लगी हाथ। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो आप गलत हैं। धर्म के नाम पर सियासत का धंधा करने वालों के आशीर्वाद तले पल रहे ये वो लंपट है जो सरकारी आदेश पर चुनावी दौर में माहौल बनाने में सड़क पर उतर जाते हैं। जहां जहां नजर आते हैं मुसलमान, उन पर टूट पड़ते हैं। कभी गो तस्करी, कभी गो हत्या, कभी लग जिहाद कर लगाया जाता है आरोप, और फिर मुस्लिम बस्ती से लेकर मस्जिद पर चढ़कर तमाशा करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये लोग भड़क इसलिए गए कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों के सामने से मुस्लिम लड़के तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वालों की फौज को गुस्सा आ गया कि कैसे मुसलमान तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं, तो टूट पड़े उन मुस्लिम लड़कों पर जो धर्म के ठेकेदारों से बिना पूछे इस मुल्क में तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। बताया गया ये वीडियो मध्य प्रदेश के गुना की है, जब मुस्लिम लड़कों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकालने पर लंपटों ने घेर लिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा इस कदर कान में चुभा कि जय श्री राम के नारे लगाने लगे। खैर कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, जब इन लंपटों के आका इंडिया नाम से चिढ़ने लग जाएं, उसे इंडियन मुजाहिदीन से जोड़कर दिखाने लग जाएं, तो ऐसे लोगों से उम्मीद भी क्या होगी। उसमें कोई अभी FIR नहीं है, उसमें ये हुआ है कि जब भी ये वीडियो फुटेज देखे जाएंगे उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, तो सारे लोग अभी समझ के चले। ये वीडियो काशिफ ककवी नाम के ट्विटर यूजर ने पोस्ट की और दावा किया कि मध्य प्रदेश के गुना में मुसलमानों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जब कथित तौर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और BJP के नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। खैर एक तरफ मुसलमानों के हाथ में तिरंगा था, दूसरी तरफ खड़े थे धर्म के ठेकेदार। पुलिस भी हो गई मजबूर, करा दिया समझौता कि खाता ना बही जो हिंदूवादी संगठन कहे वही सही। स्पेशल डेस्क द कंटाप्ट।